Hello friends, welcome to my channel. In the today's video, we will discuss about the host plant resistant. It is the very important topic of integrated pest management. It is the basic point of integrated pest management. जब तक हम इन होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट को नहीं जान पाएंगे, हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जानने में भी डिफिकल्टीज होंगी. सो ये बेसिक पॉइंट था और एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया. एंटमोलॉजी का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. एंड आज मैं किसी क्रॉप को डील नहीं कर रही हूँ और पिछले दो दिनों से मेरे वीडियोस जो नहीं है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. देन हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. सो आर एच पेंटर जो थे, उन्होंने 1951 में डिफाइन किया था होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट को कि ऐसे कुछ मतलब एक प्लांट है जो कि कुछ ऐसे उसके अंदर कैरेक्टर इनेबल हैं कि वो अगर किसी इंसेक्ट उस प्लांट में अटैक करता है तो या तो वो अवॉइड करेगा उसकी इंजरी को, इंसेक्ट के द्वारा होने वाली इंजरी को, या फिर वो टॉलरेंट कर लेगा या रिकवरी कर लेगा उस पर्टिकुलर अटैक के लिए as comparison to the other plant of the same species. So वो जो प्लांट है जो ऐसे कुछ characteristic enables कर रहा है, वो जो characteristic है उस प्लांट के, उसे हम बोलेंगे host plant resistant. Then उसके बाद Maxwell F.G. 1972 he defined as those heritable characteristic possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insects. ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट्स के द्वारा पोसेस करते हैं, मतलब प्लांट्स ऐसे कुछ हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक रखता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अल्टीमेट डिग्री ऑफ डैमेज जो कि इंसेक्ट से हो रहा है. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं प्लांट जो रहता है वो अपना बचाव कर लेता है उस हाई डिग्री ऑफ इंसेक्ट के जो अटैक है उसके बावजूद भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाव कर रहा है. ठीक है, तो वो उसका रेजिस्टेंट पावर है. तो जो प्लांट है वो इंसेक्ट के लिए क्या रहता है, इंसेक्ट के लिए प्लांट एज अ होस्ट वर्क कर रहा है. ठीक है, तो उस जो प्लांट जो कि एज अ होस्ट है फॉर द इंसेक्ट, उसमें एक ऐसी कुछ क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो उस अटैक को बियर कर ले रहा है, सहन कर ले रहा है और रिकवरी कर ले रहा है. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका कहलाएगा होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट. आई थिंक इट मे बी क्लियर. There is some historical milestone in the development of HPR. इसको हम जस्ट रीड कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी अगर आप JRF या कुछ ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो कभी पॉइंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो इन द थर्ड सेंचुरी BC Theophrastus recorded difference in disease susceptibility among the crops. ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड किया था. देन 1782 क्या हुआ था, अंडर हिल वेराइटी ऑफ वीट रिपोर्टेड रेजिस्टेंट टू हैशियन फ्लाई इन USA. तो हैशियन फ्लाई का कब रिपोर्ट हुआ था USA में, 1782 को, किसमें हुआ था, वीट की वेराइटी में. एंड देन 1817 सॉर्गम क्रॉप रिपोर्टेड टू बी रेजिस्टेंट टू ग्रास हॉपर जो कि क्या है, मेलेनो प्लस स्पीसीज. 1831 विंटर मेजिटिन वेराइटी किसकी है, एप्पल की. तो हमेशा याद रखना विंटर मेजिटिन इज अ वेराइटी ऑफ एप्पल, तो आपको एक नया पॉइंट मिल गया. ठीक है, इसलिए कभी हमें हर पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. रिपोर्टेड रेजिस्टेंट टू वूली एप्पल इन USA. 1890 में कंट्रोल ऑफ ग्रेप फाइलोक्सेरा, इट इज़ अ मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, हैवी मात्रा में जो इल्ड लॉस हुआ था ना प्रीवियस हिस्ट्री टाइम में ग्रेप्स का, वो ड्यू टू द फाइलोक्सेरा के कारण हुआ था. कहाँ पे, यूरोप में, बाय ग्राफ्टिंग ऑफ यूरोपियन ग्रेपवाइन सायन टू रेजिस्टेंट नॉर्थ अमेरिकन रूट स्टॉक. ये चीज़ें हैं एंड कुछ और हैं. तो अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1860 में क्या हुआ था, सीवी रेले ने क्या किया था, ग्राफ्टेड किया था यूरोपियन ग्रेप्स ऑन अमेरिकन रूट स्टॉक. मतलब रूट स्टॉक था अमेरिकन एंड उसमें हमने क्या किया, सायन लाया था किसका, यूरोपियन ग्रेप्स का, और उसे ग्राफ्ट कर दिया था. तो उससे क्या हुआ, रेजिस्टेंट आया ग्रेप्स के जो फाइलोक्सेरा जो कि एक मोस्ट डिजास्टर बोलना चाहिए उसके लिए, क्रॉप के लिए है, ग्रेप्स क्रॉप के लिए, उसके लिए रेजिस्टेंट आ गया प्लांट्स में. तो ये इंट्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका. कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका से. ऑल्सो इंट्रोड्यूस डाउनी मिल्वे लेड टू द बॉर्डेक्स मिक्स फंगिसाइड. डाउनी मिल्वे को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डेक्स मिक्स, जो कि प्रोफेसर एम ए मिलार्डेट ने दिया था. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. 1914 में क्या होता, एट
कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी आरएच पेंटर बिगिन ब्रीडिंग एफर्ट फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवर रेजिस्टेंट टू द हेसियन फ्लाई। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे ब्रीडिंग एफर्ट्स किए कि रेजिस्टेंट आए किसी कल्टीवर में किसके प्रति, हेसियन फ्लाई के प्रति। सो ना इस कारण से फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट, ये बहुत एग्जाम्स में आता है, हमेशा याद रखिएगा आरएच पेंटर इज द फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1973 में द फर्स्ट ब्राउन प्लांट हॉपर रेजिस्टेंट वेराइटी विथ BPH1 जीन, कौन सा था, IR26 जो था वो था फर्स्ट वेराइटी जो कि रेजिस्टेंट थी ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए। और उसमें जीन कौन सा था रेजिस्टेंस के लिए, जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसका नाम था BPH1 जीन। देन साइंस ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट, क्या साइंस है, ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप बेसिकली कर देंगे। इसके बाद क्या है, रेजिस्टेंट कैन बी असेस्ड बाय देयर फोर कैरेक्टरिस्टिक, चार ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे रेजिस्टेंट क्या रहता है, असेस्ड होता है। सो फर्स्ट है रेजिस्टेंट इज हेरिटेबल, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन शिफ्ट होता है। एंड कंट्रोल बाय वन और मोर जीन, मतलब एक से ज़्यादा जीन से ओलिगोजेनिक जीन से कंट्रोल हो रहा है। रेजिस्टेंट इज रिलेटिव एंड कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द कंपैरिजन विद अ ससेप्टेबल कल्टीवर ऑफ द सेम प्लांट स्पीसीज, मतलब ये रिलेटेड रहता है और इसको अगर हमको मेजर करना है कि कितना किसी प्लांट में रेजिस्टेंट है तो उसी प्लांट के जो मतलब सेम स्पीसीज के जो और डिफरेंट प्लांट है उससे हमको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, देन हम उसका मेजरमेंट कर पाएंगे। रेजिस्टेंट इज अ मेजरेबल, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंट क्या रहता है, मेजरेबल रहता है। क्यों रहता है, दैट इज द इट इज़ अ मैग्नीट्यूड कैन बी क्वालिटेटिवली, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है उसको हम मतलब क्वालिटी के रूप में सेट कर सकते हैं। एंड सॉरी क्वालिटेटिवली डिटरमाइंड बाय एनालिसिस ऑफ द स्टैंडर्ड स्कोरिंग सिस्टम, या फिर हम उसको अगर हमको क्वालिटेटिव रूप से डिटरमाइन करना है तो हम मेथड यूज करेंगे स्टैंडर्ड स्कोरिंग सिस्टम, और अगर हमको क्वांटिटी से अगर करना है तो हम इंसेक्ट एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं। एंड रेजिस्टेंट इज अ वेरिएबल एंड इट इज लाइकली टू बी मॉडिफाइड बाय द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, मतलब ये क्या रहता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि कौन कौन से फैक्टर है, एबायोटिक एंड बायोटिक, जो भी बायोटिक फैक्टर रहेंगे वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रहेंगे, एबायोटिक फैक्टर आपके जितने भी क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस है दे ऑल आर द एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम देखते हैं द टाइप ऑफ रेजिस्टेंट, फर्स्ट रेजिस्टेंट है इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट जिसे हम स्यूडो रेजिस्टेंट भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा स्यूडो रेजिस्टेंट किसको बोलते हैं, इकोलॉजिकल रेजिस्टेंट इज कॉल्ड आल्सो स्यूडो रेजिस्टेंट। एपीरियंट रेजिस्टेंट विच इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिस्टरी कैरेक्टर इन अ पोटेंशियली ससेप्टेबल होस्ट, इसमें पहला चीज है होस्ट एवेशन, उसका क्या मतलब है, होस्ट एवेशन मतलब है होस्ट पास थ्रू मोस्ट ससेप्टेबल स्टेज क्विकली और एट द टाइम व्हेन इंसेक्ट नंबर आर रिड्यूस्ड, ठीक है, मतलब होस्ट जो रहता है वो मोस्ट जो ससेप्टेबल स्टेज रहता है उससे क्विकली क्या होता है बहुत जल्दी ही पास होता है, और ऐसे टाइम पे जब क्या रहता है इंसेक्ट का नंबर वहाँ पे बहुत कम रहता है, जैसे कि अर्ली मैच्योरिटी, ठीक है, लेट प्लांटिंग या लेट मैच्योरिटी, ठीक है, तो हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं इंसेक्ट के अटैक को, उस टाइम हम उसका प्लांटिंग कर रहे हैं जब वहाँ पर इंसेक्ट का जो नंबर है वो बहुत कम है, तो ये सब चीज़ें जो रहती है एक रेजिस्टेंट का रूप ले लेती हैं। देन इंड्यूस्ड रेजिस्टेंट, ठीक है, जो हम इंड्यूस्ड कर रहे हैं, टेम्प्ररी इंक्रीज्ड रेजिस्टेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडीशन ऑफ प्लांट एनवायरनमेंट, मतलब हम सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, फर्टिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम खुद इंड्यूस्ड कर रहे हैं ऐसे कंडीशंस, हम फेवरेबल कंडीशंस ला रहे हैं जिससे कि इंसेक्ट का ग्रोथ कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज ना हो। देन एस्केप करना, लैक ऑफ इन्फेस्टेशन ड्यू टू द इनएडिक्वेट पेस्ट लोड, ठीक है, इन्फेस्टेशन का लैक रहता है, क्यों, क्योंकि इनएडिक्वेट पेस्ट लोड रहता है इसलिए। देन सेकेंड है हमारा पॉइंट जेनेटिक रेजिस्टेंट, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ जीन्स, तो नंबर ऑफ जीन्स में पहला मोनोजेनिक रेजिस्टेंट, तो ये जो रहता है ये एक ही मोनो है, मतलब सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहा है, ईजी टू डेवलप ईजी टू ब्रेक। ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंट कंट्रोल बाय द फेओ जीन ओनली एंड पॉलीजेनिक रेजिस्टेंट इज कंट्रोल बाय द मैनी जीन्स, नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है।
और कुछ मेजर एंड माइनर जीन होते हैं। तो मेजर जीन जो रहता है ये रहता है वन और फ्यू मेजर जीन्स, जैसे कि इसको हम वर्टिकल रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। तो वर्टिकल रेजिस्टेंट याद रखिएगा, वो केवल और केवल वन और फ्यू मेजर जीन से ही कंट्रोल होगा। बट जो माइनर रेजिस्टेंट रहता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल या फिर हम उसे अडल्ट रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं, वो मैनी माइनर जीन से कंट्रोल होता है, एग्जाम्स में आते हैं। देन बायोटाइप रेजिस्टेंट जो रिएक्शन है वो। वर्टिकल रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बायोटाइप के लिए ही वो मतलब रेजिस्टेंस शो करेगा। बट हॉरिजॉन्टल जो रहेगा, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द नोन टाइप्स ऑफ बायोटाइप, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर किसी एक बायोटाइप के रेजिस्टेंट नहीं है, सभी के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है। देन थर्ड इज द बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन या फिर लाइन कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग जो प्योर लाइन रेजिस्टेंट, प्योर लाइन रेजिस्टेंट मतलब क्या है, एग्जिबिट बाय लाइन्स विच आर फिनोटाइपिकली एंड जेनोटाइपिकली सिमिलर, मतलब उसी लाइन्स में रेजिस्टेंट रहेगा जो एक दूसरे के लिए किस रूप से समान है, देखने में भी और जेनेटिक रूप से भी इक्वल है, उनके लिए रेजिस्टेंट है। मल्टीपल मतलब एग्जिबिट बाय लाइंस विच आर फिनोटाइपिकली सिमिलर बट जीनोटाइपिकली डिसिमिलर, देखने में तो वो समान है बट जो जीनोटाइप अलग है फिर भी वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसके लिए, बस देखने के कैरेक्टरिस्टिक अगर सिमिलर है देन वो रेजिस्टेंट सबके लिए शो कर रहा है। तो ये हो गए आपके मल्टी लाइन रेजिस्टेंट। देन कुछ मल्टी ट्रॉपिक इंटरेक्शन होता है, ये कुछ क्या है, मैं जो अभी बता रही हूँ वो कुछ टर्म्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं जब हम उसका आंसर नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए हमको। एक होता है क्रॉस रेजिस्टेंट, इसमें क्या है, वैरायटी विद द रेजिस्टेंट इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अ प्राइमरी पेस्ट कन्फर्स रेजिस्टेंट टू अनदर इंसेक्ट, ठीक है, क्रॉस रेजिस्टेंट हो रहा है। ऐसे ही कुछ जो वैरायटी जो कि रेजिस्टेंट है किसी एक प्राइमरी पेस्ट के लिए, वो कंफर्म कर रही है दूसरे इंसेक्ट के लिए भी रेजिस्टेंट, तो वो क्रॉस रेजिस्टेंट आ गया किसी ना किसी वे में। मल्टीपल रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट इनकॉर्पोरेट इन वेरी मतलब वेराइटीज अगेंस्ट डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस लाइक इंसेक्ट डिसीज नेमेटोड हीट ड्रॉट कोल्ड, तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंट है क्योंकि डिफरेंट जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उनके लिए रेजिस्टेंट इनकॉर्पोरेटेड है। देन कुछ होते हैं बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, उसमें है सिंपैट्रिक रेजिस्टेंट, ये जो रेजिस्टेंट रहता है एक्वायर्ड होता है को एवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट, मतलब दोनों के बीच का जो एक एवोल्यूशन पैटर्न है इंसेक्ट एंड प्लांट के बीच का, जीन फॉर जीन जिसे हम बोल सकते हैं, और वो गवर्न हो रहा है मेजर जीन से। एंड एलोपैट्रिक में नॉन बाय द कोएवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट एंड गवर्न बाय द मैनी जीन। तो आप ये टर्म्स याद रखिएगा और वो क्या चीज़ के लिए टर्म्स हैं उसे और क्या बोलते हैं जो मैंने अभी बताया एक एक वर्ड में, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। देन इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंट, देखिए एक होता है, दो स्केल है, हम कैसे नापेंगे कि कितना इंटेंसिटी है रेजिस्टेंट का, एब्सोल्यूट स्केल होता है और एक रिलेटिव स्केल होता है। जैसे कि हाई रेजिस्टेंट है बस रेजिस्टेंट है, मॉडरेट रेजिस्टेंट है सस्केप्टेबल है या हाईली सस्केप्टेबल है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है फर्स्ट प्लांट। सेकेंड प्लांट थोड़ा टॉलरेंट है, ठीक है, बट जो थर्ड प्लांट है वो पूरी तरह सस्केप्टेबल है। तो ये चीज़ें डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। देन आप देख सकते हैं मल्टी ट्रॉपिक इंटरेक्शन, ये क्या है, दो तरह का है, एक होता है इंट्रेंसिक रेजिस्टेंट, एक होता है एक्सट्रेंसिक रेजिस्टेंट। इंट्रेंसिक में क्या होता है, थ्रू द फिजिकल लाइक द ट्राइकोम्स और टफनेस और केमिकल जो भी कुछ टॉक्सिक है, डाइजेस्टिबिलिटी जो रहती है बोथ, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, मतलब ये जो रेजिस्टेंट है कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं या फिर कुछ फिजिकल मतलब टफनेस है प्लांट का या फिर प्लांट में ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, और या फिर दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो है इंट्रेंसिक रेजिस्टेंट। एंड एक्सट्रेंसिक रेजिस्टेंट में क्या होता है, इन नेचुरल एनिमीज लाइक हमको थर्ड ट्रॉपिक लेवल यूज़ करना पड़ेगा इंसेक्ट पेस्ट के लिए, दैट बेनिफिट द होस्ट प्लांट, मतलब हमको कोई प्रेडेटर यूज़ करना पड़ेगा जो उस इंसेक्ट को की संख्या को कम करे बट प्लांट के लिए वो यूजफुल रहेगा, ठीक है, इसमें थर्ड जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो रहा है। बट इंट्रेंसिक में प्लांट के कुछ ऐसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक हैं कि टफनेस है या कुछ केमिकल है या फिर दोनों चीज़ें एक साथ हैं, वो चीज़ होगा आपका इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक में आपके थर्ड फैक्टर इन्वॉल्वेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऐसे।
देन फैक्टर एदर अफेक्ट द रेजिस्टेंट एक्सप्रेशन, सम फिजिकल फैक्टर, प्लांट न्यूट्रिशन, बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि प्लांट फैक्टर, पेस्ट फैक्टर, बायोटाइप या फिर इनिशियल इन्फेस्टेशन लेवल हैं, ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसका एक पार्ट अभी और बचा है, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो इससे रिलेटेड है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो वो टॉपिक जो रहेगा हम कल आपको मतलब कल की वीडियो में मैं डील कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो होगा तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको और आपको देखने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको एक भी पॉइंट बीच का मिस हुआ तो आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो प्लीज़ फुल वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए, एंड अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।